नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुरविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, प्रॉपर्टी मॉल। और आज हम आपको एक शॉप कम होम दिखाने आए हैं, और वो भी एक चली चलाई मार्केट जहां पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, बहुत सारी यहाँ कॉलोनीज हैं और बहुत सारा एरिया ऑलरेडी कमर्शली डेवलप है। तो आइए दिखाते हैं आपको। अब हम अंदर, तो जो शॉप कम होम होता है वो होता है कि जिसके अंदर आप दुकान भी चला सकते हैं, अपना ऑफिस भी बना सकते हैं और आपके रहने का इंतजाम भी हो गया है। तो ये आजकल की जो डिमांड हुई है कोविड के बाद, इसकी बहुत डिमांड हो गई है। बहुत से लोग जो हैं वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो उनको एक ऐसी स्पेस चाहिए जहां पे वो रह भी सकें और अपना ऑफिस भी चला सकें। बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल्स हैं जो इस काम में लगे हुए हैं और उनको ऐसी ही रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम बैठे भी मार्केट में, हमारा क्लाइंट आए तो हमें मिल भी ले और फिर हमें रेस्ट करनी हो तो हम वहीं रेस्ट कर लें। तो ये नया ट्रेंड चला है। अब सिर्फ हम आपको समझा रहे हैं, जो चीज़ आपको बन के मिलेगी वो यहीं इसी लोकेशन के आसपास ही है जो आपको बन के मिलनी है, लेकिन वो भी इंटरसेक्शन है तो वो आपको समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए हम आपको समझाने के लिए ये एक सेटअप ऑलरेडी उसी साइज में बना हुआ वो दिखाने आए हैं। तो जो सोहो है, शॉप कम होम है, उसका साइज जो होता है वो 15x35 का होता है। अब 15x35 हम अगर वैसे नॉर्मली बता देते हैं तो समझ नहीं आता है कितना चौड़ा होता है, कैसे होगा। तो ये एक 15x35 की जो बना हुआ एक स्ट्रक्चर है वो हम आपको दिखाने आए हैं कि सीढ़ियों से जैसे ऊपर आओगे तो गेट होगा, और गेट के अंदर आते ही आप ये समझिए कि यहां से आपका ऑफिस स्टार्ट होता है। तो यहां आपका गेट से एंटर होते ही एक अपना गेट लग जाएगा सीढ़ियों के गेट के बाद, जिसमें आप अपना ऑफिस बनाओगे। तो ये एरिया, जैसे यहां पे रिसेप्शन टेबल रखा हुआ है, इस एरिया के अंदर आप अपना ऑफिस जैसे भी चाहो, काउंटर का फेस जिधर मर्जी करना है वैसे सिटिंग स्पेस आपको सोफा मिल जाएगा इतनी जगह में, क्योंकि ये 15 फिट चौड़ी जगह है। अब 15x10 के अंदर आपका ऑफिस बन जाएगा, तो ये वाली स्पेस के अंदर आपका ऑफिस बन जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि आपको पीछे बेडरूम के तक जाने के लिए बीच में जो रास्ता होगा, इसमें ये जो जगह रहेगी इसके अंदर आपकी वॉशरूम बन जाएगा, टॉयलेट और आपका वॉशरूम। अब क्योंकि ये 15 है, 15 में से अगर हम 3 फिट रास्ता रख लें तो 12 फिट हमारे पास बचाता है। तो 12 फिट में 5 फिट चौड़ाई का आपका वॉशरूम आ जाएगा, और साइड के ऊपर एक स्लैब डल जाएगी जिसको किचन के तौर पे यूज करोगे। तो इसके बाद आएगा आपका बेडरूम। अब जो वॉशरूम होगा उसका रास्ता बेडरूम के अंदर से होगा, ताकि अगर यहां पे हमारी जो शेल्फ डलेगी जिसके ऊपर किचन वाला जो थोड़ा काम करना होता है वो वॉशरूम के बिल्कुल सामने ना हो, तो यहां वॉल आएगी और रास्ता वॉशरूम का अंदर होगा। तो ये आप समझें कि वॉशरूम है। अब अंदर आएंगे तो ये आपका 14x10 का ये आपका बेडरूम हो गया। तो 14 फुट ऐसे लंबा और 10 फुट ऐसे ये आपका बेडरूम। तो इस एरिया के अंदर बहुत स्पेस, काफी स्पेस होती है। आपकी साइड पे आप अपनी स्टोरेज बना सकते हैं, वॉल को डिजाइन करा सकते हैं, और यहां बेड लगेगा और यहीं से आपका रास्ता होगा वॉशरूम का। तो ये वाली स्पेस अगर हम इस तरीके से बात करें तो 10 फिट है, और 10 फिट में इस तरफ ये 14 फिट है। अगर हम इस तरफ बेड की फेस करें तो 6 फिट का बेड रहेगा और 14 फिट जो है, यानी कि 8 फिट जगह आपके पास और मूविंग के लिए बच गई। तो 14x10 के अंदर आप आराम से एक बेडरूम लगाने के बाद भी आपके पास एक सोफा की स्पेस और बच जाएगी, क्योंकि 8 फिट जगह और है। तो 8 फिट में अगर आप ये 3.5 फिट का सोफा भी लगाओगे तो भी आपके पास जगह बच जाएगी। तो ये जो कंसेप्ट है शॉप कम होम, जिसके अंदर एक बेडरूम आपका 14x10 का बन गया, वॉशरूम बन गया, और 14x10 का आपका ऑफिस का कैबिन भी बन गया, और पीछे आपकी 3 फिट की बैल्कनी भी आपको आ जाएगी, ताकि अगर आप जहां रहोगे, जैसे यहां विंडो है तो आपको बैल्कनी भी आ जाएगी। बैल्कनी में आप अपने कपड़े सुखा सकते हैं, चेयर लगा के कुछ देर रिलैक्स कर सकते हैं। और बहुत सारे जो आईटी प्रोफेशनल हैं उनको वो स्मोकिंग की बड़ी आदत है, तो वो अंदर नहीं कर सकते, तो बालकनी एक एरिया होता है जहां पे फ्रीक्वेंटली आज के जो यंग लोग हैं वो जाते हैं और स्मोकिंग करके आते हैं। वैसे ये बुरी चीज है, नहीं करनी चाहिए। तो ये जो एरिया हमने बताया आपको कि 14x35 का इसका साइज होगा, और इसी तरीके से ये कंप्लीट होके आपको मिलेगा, और इसके अंदर आपको एक बेडरूम, एक वॉशरूम, एक सिंपल स्लैब वाली किचन और एक आपका ऑफिस 10x14 का। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा। पैसे कितने लगेंगे? सिर्फ 35 लाख रुपया। जी हाँ, सही सुना आपने,
सिर्फ 35 लाख रुपया लगेगा इसका, और ये सेकंड फ्लोर के ऊपर होगा। ग्राउंड पे जैसे आजकल चलते हैं कि वो शोरूम्स आ जाते हैं, और फर्स्ट के ऊपर भी ऑफिस स्पेस आ जाती है, और सेकंड फ्लोर के ऊपर आजकल ट्रेंड है कि सोहो का, शॉप कम होम का। तो जो ये बिल्डिंग बनने जा रही है उसके अंदर आपको लिफ्ट भी मिलेगी, सीढ़ियां भी मिलेगी, तो सेकंड फ्लोर आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, लिफ्ट से आप सेकंड फ्लोर पे जा सकते हैं। अब प्राइस है सिर्फ 35 लाख, बुकिंग इसकी चल रही है, आने वाले एक साल के अंदर अंदर ये सारा बजट जो है वो डिलीवर हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेंटर डल गए हैं, अब अंदर की पार्टीशन दीवारों में 2-6 महीने का टाइम लगेगा, जैसे बारिश में थोड़ा काम फ्लो हो जाता है उसके बाद फिर फास्ट हो जाएगा। तो पोजेशन जल्दी मिलने की उम्मीद है, यानी कि 2023 जो चल रहा है इसी के अंदर ही आपको इसका पोजेशन मिलने के भी चांसेस हैं। थोड़ा बहुत रेरा भी कहता है कि 2-6 महीने की डिले तो वाजिब होती है, वो चल जाती है, बहुत सारे कारण होते हैं। तो सबसे सस्ता सोहो जो आपको आज मिल रहा है, ये जो 200 फुट एयरपोर्ट रोड है, जो वर्किंग रोड है, जो न्यू चंडीगढ़ को जोड़ रही है, उसी के ऊपर सेक्टर 117 आता है TDI का, और वहीं से एक रोड 74A के बीच में से लांडरा रोड को जोड़ रही है, जहां वो लांडरा रोड पे जुड़ेगी उसी से ही राइट मुड़ते ही थोड़ी ही दूरी के ऊपर आपको ये वाला प्रोजेक्ट मिल जाएगा, बिल्कुल ऑन रोड के ऊपर। और यहां आसपास बहुत सारे जो फूड जॉइंट्स हैं, बहुत सारे गारमेंट के शोरूम्स हैं, बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, वो सारे इस इलाके में ऑलरेडी हैं। और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो 300 एकड़ की टाउनशिप्स इसके आसपास बसी हुई हैं, कोई 2 एकड़ की है, कोई 10 एकड़ की है, कोई 20 एकड़ की है, कोई 50 एकड़ की है, ऐसे 300 एकड़ के एरिए के अंदर जो पॉपुलेशन बसी हुई है, उस सारे 300 एकड़ की पॉपुलेशन के लिए ये वाला जो कंसेप्ट है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और जो 8B इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पे मोस्टली IT स्टूडेंट्स आके ट्रेनिंग लेते हैं नई नई कंपनियों में, उसके बाद फिर वो अपना काम शुरू करते हैं, तो उनकी जो बेस कंपनी होती है वो IT पार्क में ही होती है। तो 8B इंडस्ट्रियल IT पार्क जो है यहाँ से सिर्फ 3 या 4 किलोमीटर दूरी पे है, और वो भी उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। कई बार हम कहते हैं कि जी वो तो 6 किलोमीटर हो गया, तो मैं आइडिया के तौर पे बता रहा हूँ, बाकी आप गूगल जब आओगे मैप वो आपको ज़्यादा बता देगा, लेकिन 5 से 10 मिनट की ड्राइव पे आप अपनी IT पार्क में पहुंच जाओगे, जो कि इंडस्ट्रियल टाउन 8B मोहाली का एरिया है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो एड ऑन चीज़ें होती हैं किसी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन को बढ़ाने के लिए। हाँ, ये जो प्राइस है ये डेफिनेटली रिवाइज भी होगा, बढ़ेगा भी, हो सकता है ये वीडियो आप कोई 6 महीने के बाद देखो तो ये प्राइस नहीं होगा, फिर उस रेट वाला प्राइस होगा, लेकिन आज आप इसमें बुकिंग कर सकते हैं। पैसे भी सारे आपको इकट्ठे नहीं देने हैं, पार्ट्स के अंदर देने हैं, वो प्लान क्या है वो आपको जब आप आओगे तो आपको समझा देंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।